ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आइए अब सीखते हैं इंटरनेट पर कोई भी जानकारी ढूंढना, सर्च करना और उसे डाउनलोड करना। किसी भी जानकारी को सर्च करने के लिए इंटरनेट अगर हमें खोलना है तो जैसा आपको बताया था हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। यहाँ हम गूगल क्रोम का उपयोग कर रहे हैं। आपने गूगल क्रोम खोला। गूगल क्रोम पर बाय डिफ़ॉल्ट गूगल की वेबसाइट खुल जाती है, पर मान लीजिए आप किसी और ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं और आपको गूगल सर्च इंजन खोलना है तो आप ये जो उसकी वेबसाइट एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप कर दें, www.google.co.in। इसे यहाँ पर टाइप करके आप एंटर प्रेस कर दें तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ आपका कर्सर है यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दें। मान लीजिए हम वॉलपेपर्स ढूंढना चाहते हैं, हमने वॉलपेपर टाइप किया। वॉलपेपर्स में हमें इमेजेस चाहिए तो आप इमेजेस पर जाएं और क्लिक कर दें। ये देखिए अलग अलग वॉलपेपर्स की इमेजेस आपके सामने आ गई। अब इसमें से अगर आपको कोई वॉलपेपर बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पहले अपना जो पॉइंटर है वहाँ पर रखें और उसके बाद उस पिक्चर पे उसे रख करके उसे क्लिक कर दें। अगर आप इसे सीधे सेव करेंगे तो जितना ये साइज़ है उतनी ही बड़ी पिक्चर डाउनलोड होगी, पर अगर आप इसे फुल स्क्रीन पर चाहते हैं तो पहले अपने पॉइंटर को पिक्चर पर रख करके क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। अब जब ये पिक्चर यहाँ आ जाए तब आप पॉइंटर इस पर रख करके राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज पर जाकर क्लिक कर दें और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। अगर आप इसे डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं तो पहले डेस्कटॉप पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर आप पिक्चर को कोई भी नाम दे सकते हैं और चाहे तो ऐसे रखना चाहे ऐसे रख दें और चाहे तो कोई नाम दे दें और उसे सेव कर लें। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये पिक्चर डाउनलोड होकर आपके डेस्कटॉप पर आ गई है या नहीं तो आप इसको मिनिमाइज़ कर दें। ये देखिए विंडोज 7 ये जो इमेज है वो यहाँ डाउनलोड हो गई है। कैसी हुई है आप देखना चाहते हैं तो इसे ओपन करके देख लें, ये पूरे स्क्रीन पर आपको पिक्चर मिल जाएगी जिसे आप वॉलपेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने वॉलपेपर सर्च करना और डाउनलोड करना सीखा। इसी तरह से अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन भी सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और MS पेंट आपको हिंदी में प्रयोग करना सीखना है तो वो भी आपको इस पर मिल जाएगा, उस पर आपको कोई ट्यूटोरियल मिल सकता है। यहाँ टाइप कर दें MS पेंट ट्यूटोरियल इन हिंदी तो जो भी हिंदी में इससे रिलेटेड वीडियो या प्रोग्राम होगा वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर MS पेंट ट्यूटोरियल इन हिंदी इससे जुड़े हुए प्रोग्राम सामने आ गए। अब ये जो वीडियो है मान लीजिए इसको आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो आ गया। अब अगर आप इसे पूरी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पर जाएं, यहाँ पर फुल स्क्रीन के लिए ऑप्शन है वहाँ जा कर के क्लिक कर दें, ये पूरी स्क्रीन पर आ गया। और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, वापस छोटा करना चाहते हैं तो एस्केप की दबा दें, ये वापस छोटा हो गया। मान लीजिए आप इससे जुड़े हुए और दूसरे वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे लिंक दी हुई है अपलोडेड बाय ज्ञान यज्ञ, तो आप इस लिंक पर जाकर के क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए बाकी और जितने भी वीडियोस हैं इससे जुड़े हुए वो सब आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ कॉर्नर पर स्विच टू ग्रिड व्यू पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइन से सारे
प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसमें से जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उस पर जाकर के क्लिक कर दें और आप उसे देख सकते हैं।